हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, इफ के इज अ कांस्टेंट सच दैट एक्स वाई प्लस के इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल कंडीशन। डिफरेंशियल कंडीशन क्या है? एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन वाई प्लस एक्स माइनस वन, देन के इज के की वैल्यू ए वन होगी, जीरो होगी, टू होगी, वन बाई टू होगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर आपको फ्रेंड्स सॉल्यूशन आता है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, और नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, इसका निकालेंगे तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या तो यू डॉट बी से करेंगे वाई का कर लिया तो ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स करेंगे तो प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू। इसका डिफरेंशिएशन किया तो अब एक्स माइनस वन का स्क्वायर का करेंगे तो ये सिंपली एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू का करेंगे तो टू एक्स माइनस वन अपॉन टू आएगा, तो टू से टू कट जाएगा और ये एक्स माइनस वन बच गया। अब ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस वाई को उधर ले जाए तो माइनस वाई, और ये हमारे पास e टू द पावर x माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू, ये क्या है हमारे पास, ये रहा एक्स वाई प्लस के, तो ये हो गया हमारे पास प्लस एक्स वाई प्लस के एंड एक्स माइनस वन का इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया हमारे पास। अब फिर हमें करना है इसका x x का अदर से मल्टीप्लाई, माइनस वन का इससे मल्टीप्लाई, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हुआ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, एक्स का मल्टीप्लाई इससे क्या तो हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स के, अब हमें माइनस वन का मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स वाई और माइनस के, ये हो गया। तो यहां से अगर हम वाई कॉमन लेना चाहें तो वाई कॉमन ले लें, क्योंकि इस टर्म में बनाना है तो वाई कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो यहां से हमारे पास कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर इससे, और इससे कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स, और इससे कॉमन लेंगे तो माइनस वन वाई, ये हो गया। और बचा जो वो क्या बचा हमारे पास एक्स के माइनस के, एक्स के माइनस के या के कॉमन ले लें इसमें से तो के एक्स माइनस वन, ये बचा जब हमने इन दोनों टर्म में से के कॉमन ले लिया। अब फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे एक्स माइनस वन का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स माइनस वन का कोएफिशिएंट वन होगा यहाँ पे, तो ये जो कोएफिशिएंट वन है तो यहां से इंप्लाई करता है कि के इक्वल टू इसका वन है, तो के इक्वल टू वन आ गया। इस तरह से इसके और भी डिफरेंशियल इक्वेशन आगे हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप फ्रेंड्स हमारे को यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।